साडे जिहड़े धर्म ते हमला किया गया सी श्री अकाल तख्त साहिब जी ते हमला किया गया सीगा उहनां दे उस साडे धार्मिक स्थानां दे अपमान दा बदला लैण लई साडे वीर घरों तुरे सीगे जिहड़े कि 28-28 30-30 सालां तों जेलां दे विच बंद ने। मैं इह कहना चाहुंदी आ कि जिहड़ा साडे वीरां दा जीवन आ जिहड़ा परिवारां ने संताप हंडाया गा जिहड़े साडे वीर जेलां दे विच बैठे ने उहनां दा जीवन साडे शहीदां नूं सिजदा गा। इस वक्त यह आ कि साढ़े नाल बहुत वड्डी बेइंसाफी हो रही है कि 28 साल बाद भी इन्ना संघर्ष करन दे बाद भी सारियां सिख जथेबंदियां सारे खालसा पंथ वल्लों संघर्ष किया गया पर वीर जी हुणां दा कोई फैसला भी नहीं हो रिहा ते बंदी सिखां दी रिहाई भी नहीं हो रही किसी दी। बीपी जी तुसीं मान साहब नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी दे आदेश दे अनुसार असीं जिहड़ी साडे कोले बेनती आई सी खालसा पंथ वल्लों सिख जथेबंदियां वल्लों श्रोमणी अकाली दल जो कि पंथ दी जमाइंदा जथेबंदी है नुमाइंदा जथेबंदी है उस अपील नूं वीर जी ने मंजूर किया इस लई असीं अज बंदी सिंघां दी लड़ाई लड़न वास्ते अग्गे आए। बीपी जी मान साहब तुसीं अपील कीती सी कि उहनां दा कोई रिस्पोंस होया जी? असीं तां मान साहब अज भी अपील करते हैं क्योंकि जो मान साहब फांसी की सज़ा होने वाली सी तो सारी कौम ने उन्हों का साथ दिता सी। अज 28 साल हो गए मेरे वीर जी जिहड़े ने फांसी के तख्ते ते खड़े ने 15 साल तो 8x10 की फांसी कोठी च बंद ने अज तक भी उन्हों की फांसी की सज़ा जी रद्द नहीं हुई। इस करके असं तो अपील करते हैं कि सारा खालसा पंथ इकट्ठा होकर साथ 6 जून सब तो पहला सारा साडा खालसा पंथ घल्लूघारा दिवस के महान शहीदों श्रद्धा के फुल भेंट कर रहा है। सब तो पहले तो असं अपने 6 जून घल्लूघारा दिवस के महान शहीदों सस्ता करते हैं जी। तो जेडे साडे वीर जी हुणे ने साडे जिहड़े धर्म ते हमला किया गया सी श्री अकाल तख्त साहिब जी ते हमला किया गया सीगा उहनां दे उस साडे धार्मिक स्थानां दे अपमान दा बदला लैण लई साडे वीर घरों तुरे सीगे जिहड़े कि 28-28 30-30 सालां तों जेलां दे विच बंद ने। मैं इह कहना चाहुंदी आ कि जिहड़ा साडे वीरां दा जीवन आ जिहड़ा परिवारां ने संताप हंडाया गा जिहड़े साडे वीर जेलां दे विच बैठे ने उहनां दा जीवन साडे शहीदां नूं सिजदा गा। तो इस वक्त यह आ कि साढ़े नाल बहुत वड्डी बेइंसाफी हो रही है कि 28 साल बाद भी इन्ना संघर्ष करन दे बाद भी सारियां सिख जथेबंदियां सारे खालसा पंथ वल्लों संघर्ष किया गया पर वीर जी हुणां दा कोई फैसला भी नहीं हो रहा ते बंदी सिखां दी रिहाई भी नहीं हो रही किसी दी। बीपी जी तुसीं मान साहब नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी दे आदेश दे अनुसार असीं जिहड़ी साडे कोले बेनती आई सी खालसा पंथ वल्लों सिख जथेबंदियां वल्लों श्रोमणी अकाली दल जो कि पंथ दी जमाइंदा जथेबंदी है नुमाइंदा जथेबंदी है उस अपील वीर जी ने मंजूर किया इस लई असीं अज बंदी सिंघां दी लड़ाई लड़न वास्ते अग्गे आए। बीपी जी मान साहब तुसीं अपील कीती सी कि उहनां दा कोई रिस्पोंस होया जी? असीं तां मान साहब अज भी अपील करते हैं क्योंकि जो मान साहब फांसी की सज़ा होने वाली सी तो सारी कौम ने उन्हों का साथ दिता सी। अज 28 साल हो गए मेरे वीर जी जिहड़े ने फांसी के तख्ते ते खड़े ने 15 साल तो 8x10 की फांसी कोठी च बंद ने अज तक भी उन्हों की फांसी की सज़ा जी रद्द नहीं हुई। इस करके असं तो अपील करते हैं कि सारा खालसा पंथ इकट्ठा होकर साथ।